हे व्हाट्स अप लवली पीपल, आप देख रहे हो राघव अकॉस्टिक नारायणगढ़ के चैनल की एक और नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। रीज़न, यहाँ लाइट तो टिकती नहीं है, लाइट भी एक एक दो दो मिनट के लिए आ रही है, तो आज हमने इन्वर्टर पे ही तगड़ा जुगाड़ करा है। तो माफ़ी चाहेंगे वीडियो लेट लाने के लिए। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठंड के मज़े ले रहे होंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि ऑरा का DSP और ऑरा का ही हमारा एक एंड्रॉयड का एम्पलीफायर, जो कि अनबॉक्स और डिटेल वीडियो लेके आने वाली है, तो इस वीडियो में आपको यही दिखाया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, जो भाई इसी वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाली को स्किप कर चुके हैं या नहीं देखी है, उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मकर संक्रांति की सेल चल रही है, जो कि 8 तारीख से शुरू हुई थी और 20 तारीख को खत्म होगी। उसके अंदर आपको कई प्रोडक्ट्स पे ऑफर मिल जाएंगे, और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स जो हमारे जो मोस्ट लविंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनको कस्टमर ने बहुत ज़्यादा प्यार दिए, बहुत ज़्यादा पसंद किए, वो हमारे होने वाले हैं मोको, उसके बाद ड्रीवन, उसके बाद ओजूम। तो प्राइसेस आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट carconceptshop.com, और डायरेक्टली लेने के लिए मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इसमें से कोई भी LED प्रोडक्ट या HID प्रोडक्ट या फॉग प्रोजेक्टर चाहिए हो। वैसे तो प्राइसेस वहाँ पे बेस्ट लिस्टेड है, अगर फिर भी कुछ हो सकेगा तो आपके लिए एज ए वैल्यू डील मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये है हमारी ओजूम की LED, सिंगल पॉइंट डबल पॉइंट यानी कि H4 और ऑल नंबर्स, इसके ऊपर बड़ी तगड़ी सेल चल रही है। प्राइस यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन से टाइम में कौन सी डेट को ये वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे 8 तारीख यानी जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक ये सेल मकर संक्रांति की लगी हुई है, तो आप जाके ऑफर ले सकते हो। ये ओजोन की LED है, सेम यहाँ ड्रीवन 130 वॉट है और सेम यहाँ पे ड्रीवन 150 वॉट है। बड़े बेस्ट प्राइसेस यहाँ पे मिलने वाले हैं, और शिपिंग हमारी पैन इंडिया फ्री रहती है, जैसा कि पहले से आ रही है और आने वाले टाइम तक भी फ्री रहेगी। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि फ्रेंड्स दो ही नंबर है हमारे मोस्टली सभी कस्टमर्स के पास है, और हमारे यहाँ से आपको कोई भी मैसेज ऐसे नहीं किया जाएगा कि एक लक्की ड्रॉ निकाला जा रहा है और 500 रुपये का कूपन है कि आपको 500 रुपये देने हैं। तो इस चीज़ से बचो, हमारे नाम से कोई अगर आपको कहता है कि 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, लक्की ड्रॉ में आपका नेम ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए हाथ जोड़ दो भैया, नहीं होगा। हमारे यहाँ से ऐसा कुछ भी अभी तक ऑफर नहीं जनरेट किया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि अगर आपके पास कोई मैसेज ऐसा आता है तो वो हमारी तरफ से जनरेटेड नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पहले ये प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं जिन पे ऑफर थे। तो बारी आती है हमारी यहाँ पे ऑरा के प्रोडक्ट्स की। तो ये है फायरबॉल 426, ठीक है, तो इसको करते हैं नीचे। तो फायरबॉल 426, अभी ये भी दिखाता हूँ पीछे क्या बड़ा, ठीक है। तो ये है हमारा एम्पलीफायर, ये बेसिकली एक एंड्रॉयड के लिए एम्पलीफायर बनाया गया है, और 2015 के बाद की जितनी गाड़ियाँ उनके ऊपर ज़्यादा कारगर है, क्योंकि उन सभी की खिड़कियाँ ना एकॉस्टिकली डिज़ाइंड है। फॉर एग्जांपल स्विफ्ट 2015 से पहले की लेते हो, उसकी खिड़की में लगा हुआ स्पीकर इतना ज़्यादा बेस या थंप नहीं देता है एज़ कम्पेयर टू न्यू स्विफ्ट, जो कि 2016 के बाद का मॉडल है। तो एक चीज़ देख के आप लगाना कि आप ये मत सोचना 2015 से पहले की गाड़ी है तो हमारा बहुत बढ़िया सिस्टम उसके अंदर चल जाएगा एम्प लगाने से, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ऑडियो की क्वालिटी और बेस ट्रेबल एनहांस होगी आपकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो 2015 के बाद के जितने मॉडल हैं उनको प्रेफर करेंगे ये एम्प लगाने के लिए। तो बेसिकली बना इसके लिए कि आपके पास एक एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के पीछे जो ये सॉकेट होती है, कोई वायर कट नहीं होगी, इस सॉकेट में एक्सटेंड होगी एम्पलीफायर आपका रन हो जाएगा, कंपेटेबल यानी कि लग जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका कुछ ऐसा बॉक्स है फ्रंट की तरफ से ऐसा आता है, सारे पेजेस वगैरह इनके ऑनलाइन साइट्स दिए हुए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो, और ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। इसको पॉज करके देख लो क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है ऊपर से, तो ये फ्लिकर कर रहा है। तो ये पीछे की तरफ से है और सेम यहाँ पे कुछ इसकी इन्फो दी हुई है, और ये पीछे की तरफ से बॉक्स, और यहाँ पे MRP 8990 दिया गया। 1 ईयर की फुली वारंटी मिल जाती है प्रोडक्ट के ऊपर, और ये आपको हमारी साइट carconceptshop.com पे मिल जाएगा बेस्ट प्राइस के अंदर। और डायरेक्टली लेने के लिए यानी कि जिन भाइयों को नहीं पता लग रहा हाउ टू बाय और हाउ टू ऑर्डर, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारी दुकान का एड्रेस और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोडक्ट का और मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं अनबॉक्स। यहाँ पे हमें देखो एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, बड़ा पतला सा है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है इसको, और टर्म एंड कंडीशन वारंटी कार्ड है बाय एनिग्मा और प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। पैकेजिंग बड़ी ज़बरदस्त है, ट्रांजिट के अंदर डैमेज आने का कोई इशू है ही नहीं और कोई चांस ही नहीं है। एक केबल दी गई है सिर्फ और सिर्फ 1 फुट की, जिनके पीछे छोटी सी वायर लगती है और ये आपका टाई हो जाएगा या आप स्क्रू से भी लगा सकते हो। और एक केबल दी गई है 39 सेंटीमीटर की, जो कि 1 मीटर बैठती है, और ये किसी किसी गाड़ी में लगती है, बहुत लंबी केबल है, हालांकि ये फ्रेम में नहीं आ पाएगी लेंथ। तो मैं आपको डबल करके दिखा देता हूँ,
ठीक है, ऐसे ये लो। तो इतनी लंबी केबल है, दोनों सेम है, कोई भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है ये आपकी प्लेसमेंट कहाँ पे होती है। ठीक है, तो मेन है हमारा एम्पलीफायर, ये सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर कंपेटेबल है। नॉर्मल स्टीरियो पे लगाना चाहो वायरिंग वगैरह कट करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन, कोई सुजेशन नहीं है कि आप ऐसा करो, प्लग एंड प्ले ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्लीन कट फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो पीछे पावर इन का कपलर है, पावर इन मीन्स आपकी जो गाड़ी की अपनी सॉकेट आ रही है वो इसमें लगेगी, एंड्रॉयड वाली कपलर लगा के पावर आउट जो आपके एंड्रॉयड को जाएगी। ठीक है, ट्रिएबल बेस, तो इसका एक सीधा सीधा सॉल्यूशन है, आप अगर अटक जाते हो इसमें कैसे लगाना है, यहाँ पावर इन करोगे तो यहाँ पे ना रेड कलर की लाइट आ जाएगी अंदर। ठीक है, तो वो लगा के आपको पता चल जाएगा कि ऑन हो चुका है या नहीं हो चुका। और यहाँ पे बेस और ट्रिएबल की सेटिंग है, ये दो RC आउटपुट दी गई हैं, ये आप इसको एक्टिव सब वूफर लगा सकते हो, चाहे आपका अंडर सीट हो और चाहे आपका एक 12 इंच का इनक्लोजर हो या बेस ट्यूब हो, तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। पूरा एल्युमिनियम का केस दिया गया है, टोटल एल्युमिनियम बिल्ड बॉडी है, ये सील वगैरह दी गई है, ध्यान रखना है टूटनी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ कोई वारंटी नहीं मिलेगी अगर ये ब्रेक हो जाती है। तो टोटली एल्युमिनियम का बॉडी शेल है, वेट है इसका 700-800 ग्राम है, 1 किलो के करीब आप इसको मान सकते हैं। और आगे ब्रांडिंग दी गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, डब्बे के अंदर सौंफ का पैकेट भी नहीं है, तो इस बार आपको बाहर सीट ऑफिस लेके काम चलाना पड़ेगा। तो इसको रखते साइड में फ्रेंड्स, यही थी इसकी अनबॉक्सिंग, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस एक ऑडियो बैंक के नाम से आ रहा था, एक E4 के नाम से आ रहा है, अभी ऑरा के नाम से, और कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा कारगर है जिनकी गाड़ी के अंदर आउटपुट जीरो है और एंड्रॉयड के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है एक बड़े कंपोनेंट या फिर स्पीकर लगाने से, तो उनके लिए बेस्ट है, हैजल फ्री है, आपको वायरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगाओ। 5,000 से 6,000 की रेंज का प्रोडक्ट है और आपको सीट के नीचे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी एम्पलीफायर, या डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है जिनको ये एक छोटे से बजट में अच्छी साउंड क्वालिटी अपनी गाड़ी में चाहिए। ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये है हमारा ऑरा का फायरबॉल 466, ये है एक बिल्ट इन 4 चैनल क्लास ABDSP एम्पलीफायर। अब ये क्या चीज़ है, आप ध्यान से देखो, ये बॉक्स सामने की तरफ से ऐसे दिख जाता है, और आप वीडियो पॉज करके देख लो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और बोलने में भी दिक्कत हो रही है मेरे को। यहाँ पे देखो इसकी स्पेसिफिकेशंस एंड आउटपुट दी हुई है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख लो। एक QR कोड है, स्कैन कोड है, आप इसका सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप PC और अपने मोबाइल iOS और एंड्रॉयड में दोनों में डाउनलोड कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट कंटेंट, बॉक्स कंटेंट दिए हुए हैं, BT रिसीवर दिया हुआ है इसके अंदर, और ये पीछे की तरफ से देखो कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे सारी 31 बैंड पैरामेट्रिक इक्वलाइजर प्लस HPF LPF क्रॉसओवर्स की सेटिंग दी गई है, जो कि आपकी ऐप कंट्रोल्ड है, वो चाहे आपका PC हो, चाहे लैपटॉप और चाहे फ़ोन हो, उससे कंट्रोल होंगी। MRP यहाँ पे दिया गया 16,990 और 1 ईयर की फुली वारंटी है जबकि। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे मिल जाता है, इसकी वायरिंग वगैरह, तो एक तो ये BT रिसीवर है, इसको संभाल के रखना, लगा भी सकते हो, डीअटैच भी कर सकते हो आपकी इच्छा। और उसके बाद में ये हमारी एक जैसे प्रिंटर के अंदर केबल आती है ऑप्टिकल आउट, ऐसे ही USB Type-A2 ऑप्टिकल ये केबल है, ये आपकी लैपटॉप के साथ कनेक्ट होगी जिससे आपका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होगा इसके साथ, और उसके बाद सेटिंग वगैरह करने में आप इनेबल कर पाओगे इसको। ये आपका पावर इनपुट कवलर है जिसके अंदर रेड, येलो और ब्लैक हमेशा की तरह 3 तारें दी गई है, और बाकी सारी स्पीकर इनपुट स्पीकर आउटपुट की है, ये यूज़र मैनुअल पढ़ के ही आपको पता चलेगा कौन सी वायर कहाँ की है। ठीक है, BT रिसीवर अगेन, और उसके बाद में कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया, बस एक यूज़र मैनुअल है, आप इसको खोल के पढ़ सकते हो, लेकिन ये गिराना मत, संभाल के रखना फ्यूचर अपग्रेड के लिए। मान लो कभी आप एक बार लगा दो उसके बाद इसको गिरा दो तो आपको सेटिंग्स करने में दिक्कत आ सकती है, तो इसके ये होगा तो आपको पता रहेगा कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी। ठीक है, ये एक इसके अंदर डबल साइड टेप वाली कटिंग दी गई है जो कि आपका BT रिसीवर लगाने में मदद करेगी, और ये है हमारा BT रिसीवर जो आपका स्टीयरिंग कंट्रोल के ऊपर लग जाएगा, स्टीयरिंग के ऊपर माउंट हो जाएगा फंसा के, और ऑप्शनल लगा सकते हो, ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ आती है हमारी ये है हमारा ऑरा का DSP, पूरा एल्युमिनियम शेल बॉडी केस है, और अराउंड 1500 ग्राम्स इसका वेट है, पीछे की तरफ से देखो ऐसे दिखता है, ये ऑप्टिकल इनपुट है, यहाँ पे लैपटॉप के साथ आपका कनेक्ट होगा ये, और BT के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट होगा, और ये पावर इनपुट है, देखो ये सारा दिया गया है यहाँ पे कैसे क्या होगा, तो वीडियो पॉज करके आप देख लो। और ये कंट्रोलर के ऑप्शंस है, उसके बाद कोएक्सियल
आउटपुट 2, 1, 3, 4, आउटपुट 6, आउटपुट 5, ऑक्स लेफ्ट, ऑक्स राइट, ठीक है। ये सारी इसकी आउटपुट्स हैं और यहाँ से इनपुट्स हैं। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो है ऑप्टिकल SPIDF का ऑप्शन है और ये वाला PC को कनेक्ट होगा, माई मिस्टेक। एंड बैटरी और पावर दोनों दिया हुआ है, प्रोटेक्शन का भी और ऑन ऑफ का भी। ये USB म्यूज़िक के लिए है अगर आप डायरेक्ट पेन ड्राइव लगानी चाहो। IR ब्लास्टर के लिए है और कुछ सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है। और फायरबॉल 466 हाई एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगेन यहाँ पे सीरियल नंबर और ये सील्स वगैरह है और टोटली एलुमिनियम है, कुछ भी प्लास्टिक नहीं यूज़ किया गया। और की यहाँ ब्रांडिंग है और ये एम्बॉस्ड है, कोई स्टिकर नहीं है। क्वालिटी में दी बेस्ट है और 1 ईयर की वारंटी है। अभी तक काफ़ी लोग लगा चुके हैं और रिस्पॉन्स जो है इसका बहुत पॉजिटिव है। आप इसको किसी भी आफ्टर मार्केट हेड यूनिट के साथ भी यूज़ कर सकते हो और अपनी गाड़ी के स्टॉक हेड यूनिट। स्टॉक हेड यूनिट का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी में कंपनी फिटेड OEM सिस्टम यानी कि म्यूजिक सेटअप आया है और आप उसकी क्वालिटी एनहांस करना चाहते हो तो आप इसको लगा सकते हो डायरेक्टली। इसके अंदर कोई भी आपको अलग से एम्पलीफायर नहीं लगाना, अगर आपके स्टॉक यूनिट के स्टॉक स्पीकर ही लगे हुए हैं तो, या फिर बिलो ऑफ 50 RMS आपके स्पीकर या कंपोनेंट लगे हुए हैं तो। अगर इससे अपर रेंज आप कंपोनेंट लगाते हो तो आपको एक एम्पलीफायर अलग से इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बगैर इसके ऊपर चला के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी अपनी आउटपुट बहुत कम है। और इसके ऊपर अगर आपने डायरेक्ट या 70, 80 या 100 RMS का कंपोनेंट लगा दिया तो इसके ऊपर लोड आएगा और ये ख़राब होने के चांसेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था हमारा ऑरा का DSP। तो चलिए रखते हैं इसको भी साइड में। तो अब मैं बारी बारी से आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ नए प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे नए ऐड ऑन है। ये है हमारा मोटर जॉय का एक वायरलेस चार्जेबल टायर इन्फ्लेटर। स्कूटी, बाइक और साइकिल वालों के लिए ज़्यादा सही है, गाड़ी के अंदर ये हवा 1-2 टायर में ही भरता है, हमने चेक कर लिया है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखो पीछे की तरफ से कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है। और ये इसका MRP है। प्राइस वगैरह जानने के लिए और प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई भी कैसे भी ऑडियो प्रोडक्ट हो, लाइटिंग प्रोडक्ट हो, आप हमारी साइट carconceptshop.com से खरीद सकते हैं। चलिए अनबॉक्स करेंगे इसको। एक यूज़र मैनुअल है, अगेन आप ये वीडियो पॉज करके देख लो, कुछ खास नहीं है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसको बैठ के आराम से। मेन चीज़ ये है, एक इसका कैरी केस दिया गया, सौंफ का पैकेट है इसके अंदर, पर ये खाने की नहीं है, सिर्फ ये मॉइस्चर सोखने के लिए होती है, बच्चों से दूर रखना। उसके बाद में ये यहाँ पे USB Type-A to Micro, तो ये मेन चीज़ है। पीछे की तरफ देखो इसकी ये डंडी दी गई है, ये बाहर आ जाती है दबा के। और यहाँ पे देखो ये आपका बॉल के अंदर भरने के लिए एक पिन दिया गया। और उसके बाद ये बड़े से छोटा सुराग यानी कि साइकिल में अगर आपने डालनी है हवा तो उसके लिए दिया गया, इसके अंदर आप लगा के। ये किसका एक तरीके से ऊपर का स्पेसर है, तो ये लगा के बाहर आ जाएगा देखो। और ये चीज़ जो है ना आपकी, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगी। फिट होने के बाद ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद एक सेकंड, ये टॉर्च है सामने की तरफ रात के टाइम अगर आपने साइकिल स्कूटी में हवा भरनी है। और उसके बाद यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, आवाज़ करता है पर हवा भर देता है। मैंने पर्सनली चला के देखा हुआ है अपनी साइकिल के लिए, तो उसके लिए बेस्ट है ये, अच्छी हवा भर देता है। एक्टिवा में, बाइक में भी भर देता है, पर गाड़ी के अंदर एक टायर में ही भरेगा, मतलब इमरजेंसी केसेस में एक टायर आपका ये पूरा फिल कर देगा। प्रॉपर ये चार्जेबल है, कोई इसको DC करंट नहीं चाहिए और एज ए पावर बैंक भी ये काम करेगा। पावर आउट थ्रू USB आप इससे अपना फ़ोन, लैपटॉप, फ़ोन और टैबलेट चार्ज कर सकते हो, ठीक है, या कोई भी 5 वोल्ट इनपुट जो चार्ज करते हो आप नॉर्मली चार्जर से। और यहाँ पे इसको आप फास्ट चार्जिंग के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे एक लाइट दी गई है जो कि चार्जिंग के टाइम रेड हो जाती है और आउटपुट के टाइम ग्रीन हो जाती है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके बाद एक मॉडल इसका आएगा देखो, ये वाला, ये 2-in-1 है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप फ्रंट से देख लो, अभी ये नए नए प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं तो मतलब एक डिटेल वीडियो तो नहीं मैं इस पर बना रहा, पर जल्दी जल्दी मैं आपको सारा कुछ कैप्चर करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देख लो, ये 5490 इसका MRP है और वायरलेस एयर इन्फ्लेटर कम वैक्यूम क्लीनर। तो इसको खोल के देखते हैं, कुछ खास इसके ऊपर नहीं लिखा होगा। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पाइप मिल जाता है, ठीक है, और ये वैक्यूम वाला पाइप था,
एक ब्रश मिल जाता है जो कि सीट और अपहॉल्सरी को क्लीन करने के लिए, और यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आई गेस, यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो गया ठीक है। और उसके बाद में इसको अनबॉक्स करने पे देखो ये वही एक्सेसरी है आपने किस में इन्फ्लेट करनी है हवा, बॉल में या टॉयज़ में। और उसके बाद में यहाँ पे बाकी तो मास्टर पैकेजिंग है इसकी, ये USB चार्जिंग इनपुट है और DC इनपुट है, आप इसको चाहे चार्जर पे चला लो आप चाहे इसको डायरेक्ट चला लो, इसके बगैर ये चार्जर ऑन नहीं होगा। और ये इन्फ्लेटर की इसकी स्टिक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगेगी। तो ये इन्फ्लेटेबल स्टिक जो है एक साइड इसमें आपको यहाँ पे लगानी है ऐसे, कुछ ऐसे लग जाएगी, और दूसरी साइड आपको अपने टायर में लगानी है। तो इसके अंदर सिस्टम है क्या मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा मोटर जाएगा, टायर इन्फ्लेटर कम वैक्यूम क्लीनर है, फ्रंट में यहाँ वैक्यूम क्लीनर दिया गया है, ये DC इनपुट है, और उसके बाद ये बैटरी से ऑपरेटेड है, बैटरी पे भी चलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बैटरी पे भी चलेगा। आई गेस ये चार्ज नहीं है अभी। तो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले का सेटअप दिया गया है, एक हैपा फिल्टर दिया हुआ है ताकि गंदगी इसके फ़ैन में ना जाए, सिर्फ ये इनहेल करे। सक्शन पावर बहुत बढ़िया है इसकी, नो डाउट, यूज़ करके पहले भी हमने देखा है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, 1 ईयर की फुल वारंटी इसके ऊपर आ जाती है। और इससे ज़्यादा देखने के लिए आप इसको नेट पे भी स्क्रॉल आउट कर सकते हो, आपको शायद ये मिल जाए। तो डिटेल्ड वीडियो दोबारा शायद हम इसकी लेके आ सकते हैं, पर अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो ये था एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर और प्लस टायर इन्फ्लेटर, और ये चार्जेबल भी है और ये DC करंट पे भी चलेगा ठीक है। तो यही थी इसकी अनबॉक्सिंग, इसको भी करेंगे साइड में, अगेन आपको एक प्रोडक्ट लास्ट में दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है मोटर जो है नॉर्मली DC वोल्टेज बेस्ड, यानी कि इसको पावर इनपुट चाहिए 12V सॉकेट से, चार्जिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, और ये वैक्यूम क्लीनर है जो कि आपकी सिर्फ गाड़ी के लिए काम में आएगा, गाड़ी को साफ करने काम में आएगा। तो ये है इसकी पाइप और ये है क्रेवाइस नोजल, तो यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, और सेकंड साइड आपकी वैक्यूम में लगेगी, और ये आपका अपहॉल्सरी क्लीनर प्लस कारपेट क्लीनर ब्रश है। और इसके बाद ये 12V सॉकेट है इसकी, 12V सॉकेट आपकी वही सिगरेट लाइटर वाले पोर्ट में जाएगी, 12V पोर्ट में। और उसके बाद ये वैक्यूम क्लीनर है, डिटैच नहीं होती जैसे ब्लो पंप वाले में हो जाती थी, इसमें नहीं होती। और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, और इसको तो बाकी आप डीअटैच कर सकते हो। एक छोटा सा फ़ैन है अंदर, एक हैपा फिल्टर दिया गया है, और इसके बाद एक बकेट है जिसके अंदर सारा कूड़ा कचरा आपका यहाँ पे कैच होगा, इकट्ठा होगा ठीक है। तो इसको करेंगे हम अब बंद, बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट में ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यूजुअली होता क्या, जब आप एक टूरिंग पे निकल रहे हो 5-6 दिन के लिए, तो आपकी गाड़ी गंदी हो ही जाती है, तो छोटे मोटे स्पेसिस को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर प्रोडक्ट ये साबित होने वाला है। तो लेने के लिए आप वही कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझको, एड्रेस लिंक और मेरा कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लेने के लिए वेबसाइट हमारी carconceptshop.com से आप खरीद सकते हो। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, नए नए प्रोडक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो क्योंकि नई नई वीडियोस और जनवरी फरवरी यहाँ पे ऑफर के मंथ हैं, और अभी के लिए जो सेल लगी हुई है, इस सब को देखने के लिए, एक नए नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए आप हमारे चैनल की बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।